बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें मैटर से या मादे से बनी हैं। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट एटम्स, सारा मादा जो है वो तमाम मादा तामीराती इकाई एटम से बना है। दीज एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। विच अपीयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस, जो कि मादे की मुख्तलिफ हालतों में हमारे इर्द गिर्द जाहिर होते हैं, जैसे गैस है, माया है और ठोस है, ये मादे की मुख्तलिफ हालतें हैं। द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स, वो कुव्वतें जो एटम्स को जोड़ने की जिम्मेदार हैं, क्योंकि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल मिलकर मादा बनाते हैं। टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस आर केमिकल बॉन्ड्स, जो कुव्वतें एटम्स को जोड़ती हैं और मॉलिक्यूल्स को जोड़ती हैं उनको केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरी थिंग इन द वर्ल्ड, ये एक आलमी असूल है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल, वो इस्तेहकाम चाहती है, मुस्तहकम रहना चाहती है। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग, एटम्स जो हैं वो इस्तेहकाम हासिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करने से इस्तेहकाम हासिल करते हैं। हैविंग टू आर एट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ द साइन ऑफ स्टेबिलिटी, वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना जो है वो इस्तेहकाम का निशान है। Attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule. Valence shell में 2 electron होना duplet rule कहलाता है, और attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule, और valence shell में 8 electron होना octet rule कहलाता है। The noble gases do have 2 or 8 electrons in their valence shells. Noble gases 2 या 8 electron अपने valence shell में रखती हैं। It means the noble gases have their valence shells completely filled. इसका ये मतलब निकलता है कि noble gases जो हैं उनके valence shell पूरी तरह भरे होते हैं। Their atoms do not have vacant space, उनके atoms में खाली जगह नहीं होती। In their valence shell, उनके valence shell में to accommodate extra electron, अजाफी electron को adjust करने के लिए। Therefore, noble gases do not gain, lose or share electrons, इसी वजह से noble gases ना तो इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती हैं। दैट इज़ वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, इसीलिए नॉन रिएक्टिव या गैर तामुल होती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल अदर, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अहमियत इस हकीकत में पोशीदा है कि एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तमाम एटम अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं कि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें,
For this purpose, atoms combines with other with one another. इस मकसद को हासिल करने के लिए एटम एक दूसरे से मिलते हैं, जमा होते हैं, which is called chemical bonding, जिसको chemical bonding या कीमियाई ताल्लुकात कहा जाता है. In other words, atom form chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electronic configuration. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एटम केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं कि वो मुस्तकम हो सकें और नोबल गैस या इनर्ट गैस की कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें. वेलेंस इलेक्ट्रॉन, द आउटर शेल इज कॉल्ड द वेलेंस शेल, और इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल आर कॉल्ड वेलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. एन एटम कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इट्स वेलेंस शेल इन 3 वेज. अब हम देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे एटम अपना 8 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है. बाय गिविंग वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम्स, दूसरे एटम्स को अपना दे देना वेलेंस इलेक्ट्रॉन. प्यारे बच्चों, अपनी ज़िंदगी से झूठ को बोलना छोड़ दो, क्योंकि झूठ बोलना बदी की राह दिखाता है और बदी दोजख में ले जाते हैं. दूसरा तरीका जो है वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स. जैसे फ्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और फ्लोरीन आयन बन गया, तो इसी तरह प्यारे बच्चों अपनी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र ऐड करो. सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र वालों का साथ देता है. और अपनी ज़िंदगी में शुक्र ऐड करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान जीद में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा. तीसरा तरीका जो है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वेलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स. एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, तो जो कुछ भी है उसको लोगों से शेयर करना शुरू करो. नबी हज़रत अली फरमाते हैं कि अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी. किसी को माफ़ कर देना, मुस्कुराना भी सदका है. जो कुछ भी है, अच्छी बात कहना, किसी की मदद करना, ये सारा अच्छे काम है. उम्मीद है सबक पसंद आया होगा. चैनल को सब्सक्राइब